कि बहुत ही खूबसूरत। हाय फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। हम आ गए हैं गोमती नदी के किनारे, और जो कि गोमती घाट के नाम से भी जाना जाता है। और हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए थे ताकि हम सनराइज़ देख सकें, और हमारे जैसे कई लोग सुबह में ही आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आकर आपको जल्द से जल्द अपनी जगह रोकनी होती है, क्योंकि यहाँ पर सुबह में इतनी भीड़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी सुबह कौन आएगा, लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, तो हम भी पहुँच गए थे जल्द से जल्द। और हमने भी हमारी जगह रोक ली थी सनराइज़ देखने के लिए। आप चाहें तो सुदामा सेतु पर जाकर भी सनराइज़ देख सकते हैं, वहाँ पर से भी सनराइज़ का बहुत अच्छा सनराइज़ दिखता है। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, सभी लोग अपने फोन निकाल के खड़े हैं। और अब कुछ ही देर में सनराइज होने वाला है, और यहाँ पर बोटिंग भी होता है, इसलिए बहुत सारी बोट पड़ी है। और ये जो दिख रहा है वो सुदामा सेतु है, सुदामा पुल है। यहाँ पर जब हम गए थे तब ये बंद था, तो हम यहाँ पर नहीं जा सके। पानी बहुत ही साफ है, और जो गोमती नदी है वो गंगा की ही एक भाग है, गंगा नदी का ही एक भाग है। तो यहाँ पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है, यहाँ पर आप अपने पाप धो सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गोमती घाट, और यहाँ पे सनराइज हो रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब नदी में थोड़ा शुद्ध हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार, सूरज देवता को पानी जल अर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है जब भगवान राम ने रावण को मारा था, तो उनको शुद्ध करने के लिए गोमती रिवर के किनारे ही लाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग राइड्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एक है कैमल की राइड, और बहुत सारी भी है यहाँ पे। बोटिंग भी कर सकते हैं आप, और कैमल की राइड भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो राइड कर सकते हैं कैमल राइड। हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने नहीं किया था। और उसके बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि वहाँ पे पास में ही बहुत सारी होटल मिल जाएगी आपको। और उसके बाद हम सुदामा सेतु जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर टिकट थी और यहाँ पे टाइमिंग भी है। तो आपको मैं चार्ट दिखा देती हूँ, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन अभी तो बंद था, अभी शायद कुछ काम चल रहा था इसलिए। तो फिर हम आगे निकल चुके थे। तो यहाँ पर आगे जाने के बाद आपको बहुत अच्छा मंदिर का दृश्य दिखेगा, तो वहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा द्वारकाधीश का मंदिर दिखता है, और यहाँ पर पास में राधा माता का भी मंदिर था, तो वहाँ पर भी हमने दर्शन लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वारिका जो है वो तीन भाग में बटा हुआ है, भेट द्वारिका, गोमती द्वारिका, और जो मुख्य द्वारिका है वो। तो ये हम आ गए हैं गोमती द्वारिका वाले पार्ट में। तो यहाँ पे समुद्र नारायण का भी मंदिर है, तो आप अगर यहाँ पर सनराइज़ देखने के बाद यहाँ आप टहल सकते हैं। यहाँ पे बहुत तो लंबा घाट है, साथ में आप शाम को भी आ सकते हैं, यहाँ पे शाम को भी अच्छा दृश्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुदामा की गरीबी जो है वो कृष्ण भगवान ने चावल खाए थे उससे मिट गई थी, तो उसी तरह से यहाँ पर चावल का दान दिया जाता है ताकि आपकी गरीबी मिट सके, ऐसा यहाँ का महिमा है। तो ये आप जो गोमती रिवर के घाट पर जाएंगे, वहीं पे आपको बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। यहाँ पर बहुत मज़ा आया था। लोग तो और भी कुछ खिला रहे थे पक्षियों को चावल के अलावा, और यहाँ पे किनारे पे बैठ के आप बहुत अच्छा नज़ारा देख सकते हैं समुद्र के साथ।
तो उसके बाद हमने समुद्र नारायण के दर्शन किए थे। वहाँ पे पास में ही समुद्र नारायण का मंदिर था और दूसरे भी दो तीन मंदिर थे। और ये देखिए, ये संगम समुद्र नारायण का मंदिर है और ये लास्ट मंदिर था यहाँ पे। फिर हम निकल चुके थे नेक्स्ट जगह पे हमारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा व्यू दिखने वाला है। ज़रूर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।